फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको राग भैरवी पर आधारित बहुत ही मधुर धुन बजाना सिखाऊंगा, जो कि आपने अभी सुन ली होगी। ये राग भैरवी पर मैंने बजाया है और ताल कहरवा पर है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको मेरे अपलोड होने वाले वीडियो टाइमली मिलते रहे। दोस्तों, स्केल है सी शार्प माइनर और राग भैरवी बोल दिया तो रे का धानी उसमें कोमल रहते हैं। ये सा हो गया सा, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा। रे गा धानी कोमल रहेंगे, से स्वर शुद्ध रहेंगे, तार सप्तक में रे भी लगेगा और गा भी लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर धुन है, इस धुन को आप मंच पर बजा दें, स्टार्टिंग में बजा दें, भजन मंडली जहां पर भी आप बजाते हैं बजाएं, चार चांद लगेगा, आपके कार्यक्रम का माहौल भी अनुकूल बनेगा। इसके तीन फ्रेज हैं, तीन फ्रेजों में मैं समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सके। लोअर ऑक्टेव में एक सुर लगेगा कॉमनली। देखें पहला फ्रेज, कहवा में 4/4 बीट्स में नी सा ग म चार मात्रा, ध प ग म चार मात्रा, प म ग रे चार मात्रा, सा के ऊपर तीन मात्रा है, बढ़ा देना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस सा के ऊपर तीन मात्राएं आप बढ़ाएंगे तो चार हो जाएगी। पहला फ्रेज दो बार बजाना है, दूसरा फ्रेज देखें, ग म द नी सा रे सा ग रे सा ध प, दूसरा फ्रेज ग म द नी सा रे सा ग म ध नी चार मात्रा, सारे सा फिर सा के ऊपर सारे सा एक मात्रा बढ़ जाएगी, चार मात्रा ये हो गई। उसके बाद ग रे सा धा, फिर चार मात्रा ग रे सा धा प, और पा के ऊपर तीन मात्रा काल बढ़ा देंगे तो चार मात्रा हो जाएंगी। फिर से देखें 1 2 3 ग म द नी सा रे सा ग रे सा धा प, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो बार दूसरे फ्रेज को बजाना, और फिर तीसरा फ्रेज आएगा प स नी द प म ग म प म ग रे सा प स नी द सॉरी प स नी द चार मात्रा, 1 2 3 4 प म ग म, 1 2 3 4 चार मात्राएं हो गई, प म ग रे 1 2 3 4 सा, सा के ऊपर फिर से तीन मात्राएं बढ़ा देनी है। फिर से देखें एक बार, तीनों फ्रेज बताता हूं बजा के, नी सा ग म ध प ग म प म ग रे सा, नी सा ग म ध प ग म प म ग रे सा, ग म द नी सा रे सा ग रे सा ध प, ग म द नी सा रे सा ग रे सा ध प, प स नी द प म ग म प म ग रे सा। और फिर से पहला, जब तीनों फ्रेज खत्म हो जाए फिर नी सा ग म ध प ग म प म ग रे सा।
दोस्तों बहुत ही सुंदर धुन है, आप कहीं पर बजाएं किसी भी टाइम पर, और ताल के साथ भी आपको बजाना सीखना चाहिए। ताल